तो कोरोना से बचाव और जागरूक करने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी शुरुआत की है। हाउसिंग बोर्ड प्रदेश भर में 1,00,000 फ्री मास्क लोगों को वितरित करेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने निवास से हाउसिंग बोर्ड की मास्क वितरण वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार गंभीर है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने जन जागृति अभियान चलाने का ऐलान किया है। अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटी जाएंगे। मुख्यमंत्री की पहल को आगे बढ़ाने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने सीएम निवास पर हुई बैठक में बोर्ड की ओर से फ्री 1,00,000 मास्क वितरित करने का फैसला लिया था। हाउसिंग बोर्ड के बड़े अभियान के तहत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मास्क वितरण वैन को अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन जयपुर शहर में प्रमुख यातायात स्थलों और कच्ची बस्तियों में जाकर फ्री मास्क वितरित करेगी। इस मौके पर मंत्री शांति धारीवाल ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ की और कहा कि पहली बार है जब बोर्ड सामाजिक सरोकार के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। 1,00,000 मास्क वितरित करने का बोर्ड का फैसला सीएम की पहल को आगे बढ़ाएगा। वहीं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि जो वर्ग अभी भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक नहीं है उस तक मास्क पहुंचाया जाएगा। लोगों तक आसानी से मास्क पहुंच सके इसके लिए बोर्ड ने नया प्रयोग करते हुए मास्क वितरण वैन तैयार की है जिसमें हर समय मास्क वितरित करने के लिए टीम मौजूद रहेगी। पूरे राजस्थान में 1 करोड़ मास्क बांटने का जो है हमने लक्ष्य बनाया है, उसमें हाउसिंग बोर्ड ने खुद ने अपने आप से 1 करोड़ जो मास्क बनेंगे उसमें तो योगदान रहेगा ही रहेगा हाउसिंग बोर्ड का अलग से, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से 1,00,000 अलग से जो है वो मास्क बना करके बस्तियों में बंटवाने के लिए आज से आंदोलन चालू किया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि आज तक कभी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया ऐसा सामाजिक कार्य, और कोरोना से जो है जो जनता पीड़ित है उनको देख करके हाउसिंग बोर्ड ने ये अपना खुद ना फैसला किया है। अगर हम इसको क्योस लगा करके वितरण करें तो सब लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए हमने एक नया प्रयोग किया है। हमने एक वाहन बनाया है जिसमें मास्क वितरण करने की टीम रहेगी, वो लोगों को वहां ट्रैफिक पॉइंट्स पे जाकर के कच्ची बस्तियों के बाहर और ऐसी जो मजदूरों की चौकटियाँ हैं, निर्माण श्रमिकों मजदूरों की चौकटियाँ हैं, खासतौर पर ऐसी जगह जहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, जहाँ लोगों को मालूम नहीं मास्क लगा के रहना है, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वहाँ पर खासतौर पर ये मास्क वितरण करेंगे, निःशुल्क मास्क वितरण होगा। सरकार ने जब भी लोगों को जागरूक करने के लिए पहल की है या किसी अभियान की शुरुआत की है, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की अगुवाई में सबसे पहले अपनी मौजूदगी दर्ज कराई गई है। अब कोरोना की लड़ाई में हाउसिंग बोर्ड ने भी बड़ी पहल शुरू की है। हाउसिंग बोर्ड 1,00,000 फ्री मास्क वितरित करेगा। मास्क बांटने के लिए बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने अभिनव प्रयोग किया है। वैन के जरिए जरूरतमंद लोगों तक मास्क पहुंचाए जाएंगे। जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 11 जिलों में मास्क बांटे जाएंगे। इसमें जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला शामिल हैं। कोरोना से लड़ाई में हाउसिंग बोर्ड ने सबसे पहले अपने कार्यालयों में सेंसर युक्त सैनिटाइजेशन स्टेशन लगाए थे। बोर्ड ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स में भी सैनिटाइजेशन स्टेशन बनाने का ऐलान किया है। मुख्यालय समेत सभी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री के स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जिससे प्रभावित होकर यूडीएच मंत्री ने सभी निकायों को हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर ही नो मास्क नो एंट्री के स्वागत द्वार लगाने के निर्देश दिए हैं। मास्क वितरण अभियान को सफल बनाने के लिए कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बोर्ड सचिव संचिता बिश्नोई को प्रभारी बनाया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी इस बड़ी पहल से ये संदेश दिया है कि सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों के लिए योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं है। समय अगर कोरोना महामारी जैसा कठिन हो तो सरकारी संस्थाएं लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके लिए मददगार भी साबित हो सकती हैं। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।